आपकी फाड़ के आपके हाथ में दे सकता हूँ, आपके घर में, आपके सामने, आपके सोफे पे बैठ। जैसे कि आपको पता है, रजत दलाल एंड रैंडम सेना के बीच काफी सीरियस कंट्रोवर्सी हो गया है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई? पहले रैंडम सेना का ये वाला क्लिप देखिए आप। लोकल का कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है, उस दलाल को सेट किया और उसको रीच की लालच दी, अपने स्टोरी में मेंशन किया। उसके बाद रजत दलाल ने रैंडम सेना का कुछ ये कहा, आप देखिए। आपने अभी एक कहीं वीडियो डाली है, एक दलाल आया जिसका नाम ही दलाल है। देखो भाई, आप मेरा नाम लो रजत, मुझे तू बोलो, मुझिया बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि आप किसी धर्म की बात करते हो या कुछ भी है, भाई उसी के एक हिस्से में से ना हम हैं। आप हमारे सरनेम का मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर रजत दलाल से आज तक कभी कोई गलती हुई है, जिससे किसी को हानि हुई है, हमारे धर्म को कुछ हुआ है, आप बता दो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग दूंगा। पर जैसे आप सबसे माफी मंगवाते हो ना, आप एक स्टोरी प्यार से लगा दो कि रजत दलाल चाहे, पर मुझे दलाल शब्द को यूज नहीं करना चाहिए था। वो चीज देखो भाई साहब गलत है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको कि मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूँ। आपकी गांड फाड़ के आपके हाथ में दे सकता हूँ, आपके घर में, आपके सामने, आपके सोफे पे बैठ के। और अगर आपको लग रहा हो ये धमकी है तो धमकी ले लेना। कोई मंत्री भी अगर अप्रोच में हो ना, उसका भी चक्का जोर लगवा लेना। तेरी वो फाड़ूंगा ना मैं आज, एकदम से नहीं मारूंगा, मैं तेरे दिमाग के साथ खेलूंगा। तू शादीशुदा है, तेरी वीकनेस है। मैं तेरे दिमाग के साथ ना उतना खेलूंगा कि ना जितना तू झेल नहीं पाएगा। और एक टाइम पे ना तेरा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, जहां पे ना तू कोलैप्स करेगा। तेरे को लग रहा है कि तू झेल लेगा, तू नहीं झेल पाएगा। पता है क्यों? मेरा ये ना बहुत अलग है और ये भी बहुत अलग है, ये दिल। जितनी ज्यादा अकड़ होती है ना मेल ईगो, उसके परखच्चे उड़ाने में ना उतना ही मजा है।